हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस आर चैप्टर लर्न अबाउट इंटरनेट व्हेन टू और मोर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर, इट इज़ कॉल्ड अ कंप्यूटर नेटवर्क जब दो कंप्यूटर या दो से ज़्यादा कंप्यूटर एक साथ कनेक्ट होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क द कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड थ्रू केबल्स और टेलीफोन लाइन्स थ्रू एनी वायरलेस मीडियम कंप्यूटर जो कनेक्ट होते हैं वो आपस में किसके थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं या तो केबल्स के थ्रू या टेलीफोन लाइन के थ्रू या फिर बिना वायरलेस मीडियम के थ्रू भी आपके कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं नेक्स्ट है आपका वॉट इज़ इंटरनेट इंटरनेट आप सभी को पता होगा आज की लाइफ में सभी इंटरनेट का यूज़ करते हैं कि इंटरनेट क्या होता है तो रीड करते हैं कि वॉट इज़ इंटरनेट वैन मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स आर लिंक टू शेयर इंफॉर्मेशन मिलियंस आप सभी को पता है कि मिलियंस मीन्स बहुत सारे मिलियंस वन सेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैख टेन लैख करोड़ टेन करोड़ फिर आता है आपका मिलियन तो मीन्स इतने कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से लिंक होते हैं अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए इट इज़ कॉल्ड इंटरनेट तो उसको हम क्या बोलते हैं इंटरनेट इंटरनेट मीन्स इंटर कनेक्टेड नेटवर्क इंटरनेट का क्या मीन्स होता है कि इंटरनेट कनेक्टेड नेटवर्क होता है ये इंटरनेट इज़ अ यूज नेटवर्क ऑफ़ कंप्यूटर्स कनेक्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेट एक यूज़ नेटवर्क है आपका जो कि कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है पूरे वर्ल्ड में इट प्रोवाइड्स कनेक्टिविटी टू मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स को यूजेस ऑफ इंटरनेट अब इंटरनेट की क्या के क्या क्या यूज़ हैं वो देख लेते हैं इंटरनेट हैज़ मेड आवर लाइफ इजी इंटरनेट ने हमारी लाइफ को बहुत ईजी कर दिया है वी कैन डू मैनी थिंग्स यू बाई यूजिंग इंटरनेट हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं इंटरनेट का यूज़ करके इस क्या क्या यूज़ कर सकते हैं हम इंटरनेट का वी कैन प्ले एंड डाउनलोड गेम्स आप देखते हैं आप इंटरनेट के थ्रू गेम्स को डाउनलोड कर सकते हैं या उस पर ऑनलाइन गेम भी खेल सकते हैं वी कैन डाउनलोड मूवीज़ सॉन्ग्स गेम्स फाइल्स एक्सेट्रा आप इंटरनेट के थ्रू मूवीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं सॉन्ग्स को गेम्स को या आपको कोई और फाइल अगर डाउनलोड करनी है तो आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं वी कैन बुक टिकट्स ऑफ अ मूवी अ ट्रेन और अ फ़्लाइट आप टिकट बुक कर सकते हैं मूवी का ट्रेन का और फ्लाइट का अब आपको कहीं और जाने की डी नहीं है आप इंटरनेट के थ्रू ही ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं किसी भी चीज़ की अगर आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी है तो वी कैन सेंड और रिसीव messages anywhere across अक्रॉस द वर्ल्ड हम किसी को भी मैसेज सेंड कर सकते हैं चाहे वो वर्ल्ड में कहीं भी हो किसी भी प्लेस पर हो उसको हम मैसेज सेंड कर सकते हैं या उसके थ्रू हम मैसेज को रिसीव भी कर सकते हैं मैसेज सेंड थ्रू कंप्यूटर्स आर कॉल्ड ई जो हम कंप्यूटर के थ्रू मैसेज सेंड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं ईमेल्स वी कैन गेट इन्फॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक एनी टाइम हम देखते हैं कि अगर हमें कोई भी टॉपिक के ऊपर सर्च करना होता है तो हम ब्राउजर पर जाते हैं एंड उसमें अपना टॉपिक डालते हैं और आपको उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाती है तो आप किसी भी टॉपिक पर किसी भी टाइम इन्फॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं वी कैन गेट लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट द वर्ल्ड आपको लेटेस्ट न्यूज़ वर्ल्ड के बारे में क्या चल रही हैं वो सभी आपको इंटरनेट पर मिल जाती हैं वी कैन चैट विद अदर्स यूजिंग टेक्स्ट और वॉइस मैसेजेस हम किसी से चैट भी कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू चाहे हम उसको टैक्स मैसेज भेजें टेक्स मैसेज भेजे, मैसे होता है आपका रिटर्न में जैसे आप लिखते हैं उस तरह से आप टाइप करके भी उसको मैसेज भेज सकते हैं और वॉइस मैसेज के थ्रू भी आप किसी से चैट कर सकते हैं अगर आपको अपनी वॉइस भेजनी है वॉइस के थ्रू चैट करना है तो आप वैसे भी आप चैट कर सकते हैं वी कैन परचेज आइटम्स फ्राम एनी वेयर अक्रॉस द वर्ल्ड एंड पे बेल्स फ्राम होम अगर हमें कहीं भी कुछ भी परचेज करना है परचेज़ करने के लिए पहले क्या होता था हम लोगों को मार्केट जाना पड़ता था लेकिन अब आपकी ऑनलाइन शॉपिंग होती है तो आप घर बैठे ही कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं एंड उसका बिल भी आप ऑनलाइन ही पे कर सकते हैं तो आप कोई भी आइटम कहीं से भी परचेज़ कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड में और उसके बिल्स आप अपने घर से ही पे कर सकते हैं आपको घर बैठे डिलीवरी हो जाएगी दिस इज़ कॉल्ड ऑनलाइन शॉपिंग ये आपकी क्या कहलाती है ऑनलाइन शॉपिंग नेक्स्ट है आपके इंटरनेट टर्म्स इंटरनेट में अब क्या क्या टर्म्स होती हैं वो देखो फर्स्ट होती है वेबसाइट आपने सुना होगा वेबसाइट अब वेबसाइट होती क्या है अब वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट मैनी थिंग्स वेबसाइट होती है कलेक्शन होता है आपका जितने भी वेब पेजेस हैं उस रिलेटेड वो सारे आपको शो होते हैं वो आपकी कहलाती है वेबसाइट वो आपको इन्फॉर्मेशन देती है बहुत सारी चीज़ों के बारे में अ वेबसाइट इज़ लाइक अ बुक दैट कंटेन्स मैनी पेजेस वेबसाइट किसकी तरह होती है एक बुक की तरह होती है जिसमें बहुत सारे आपके पेजेस होते हैं ईच वेबसाइट हैज़ अ यूनिक एड्रेस नोन है इट्स वेब एड्रेस हर वेबसाइट का अपना अपना एक यूनिक एड्रेस होता है एंड उस एड्रेस को आप क्या बोलते हैं वेब एड्रेस वेब पेज क्या होता है अ वेब पेज इज़ अ पेज ऑफ वेबसाइट वेबसाइट का जो पेज होता है उस पेज को आप बोलते हैं वेब पेज ईच पेज में कंटें टेक्सट ग्राफिक्स ऑडियोज वीडियोज एक्सेट्रा हर एक पेज में आपको क्या मिलेगा टैक्स मिलेगा जो भी उसका टेक्स्ट होगा उसमें आपको ग्राफिक्स मीन्स फोटोज़ मिलेंगे ऑडियोज मिलेंगी वीडियोज मिलेंगी और भी आपको वेब पेज में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी नेक्स्ट है आपका होम पेज एवरी वेबसाइट हैज़ अ मेन पेज विच अपियर्स वेन वी ओपन द वेबसाइट हर वेबसाइट का एक मेन पेज होता है जो आपको अपीयर होता है जब आप वेबसाइट को ओपन करते हैं दिस पेज इज कॉल्ड द होम पेज इस पेज को क्या कहते हैं होम पेज जो आपको सबसे पहले अपीयर हो मेन पेज उसका वेबसाइट का तो वो आपका होम पेज कहलाता है हाइपर लिंक पेज आल्सो कंटेन्स हाइपर लिंक वेब पेज में हाइपर भी होते हैं वेन वी मूव द माउस पॉइंटर ओवर अंक इट शेप्स टू हैंड जब हम अपने माउस पॉइंटर को हाइपर लिंक पर ड्रैग uh, करते हैं तो आपका जो माउस पॉइंटर का शेप होता है वो एक हैंड में कन्वर्ट हो जाता है वैन वी क्लिक ऑन द हाइपर लिंक इट लीड्स अस टू सम अदर पार्ट ऑफ द वेबसाइट जब हम हाइपर लिंक पर क्लिक करते हैं तो वेबसाइट से रिलेटेड जो अदर पार्ट्स होते हैं वो आपको शो करता है नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड वाइड वेब (www की फुल फॉर्म होती है आपकी वर्ल्ड वाइड वेब अगर आपसे पूछा जाए कि डब्ल्यू डब्ल्यू की फुल फॉर्म क्या होती है तो होती है आपकी वर्ल्ड वाइड वेब वर्ल्ड वाइड वेब इज़ द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ़ इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब आपका लार्जेस्ट कलेक्शन है इन्फॉर्मेशंस का इंटरनेट पर इट कंटेन्स मिलियंस ऑफ़ वेबसाइट इसमें बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं द डब्ब्लू डब्ल्यू डब्ल्यू इज़ लाइक अ लाइब्रेरी दैट कंटेन्स मिलियंस ऑफ बुक्स इसका मतलब क्या हुआ कि डब्लू डब्लू डब्ल्यू आपका क्या हुआ एक लाइब्रेरी की तरह हुआ लाइब्रेरी में आप देखते हो मिलियंस ऑफ बुक्स होती हैं हर चीज़ से रिलेटेड आपको बुक मिल जाएगी लाइब्रेरी में तो इसी तरह से डब्लू 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 भी एक इंटरनेट के लिए एक लाइब्रेरी का काम करता है जिसमें आपको मिलियंस ऑफ बुक्स मिल जाएंगी नेक्स्ट है आपका सर्च इंजन सर्च इंजन आर स्पेशली प्रोग्राम वेबसाइट्स दैट सर्च इंजन फॉर अस अकॉर्डिंग टू द टर्म्स वी स्पेसिफाई सर्च इंजन क्या होते हैं एक स्पेशली प्रोग्राम वेबसाइट्स होती हैं जिसमें आपको कोई भी चीज़ अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो भी सर्च करनी हो वो आपको सर्च कर कर दे देते हैं द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन इज़ गूगल सबसे मोस्ट पॉपुलर कौन सा है गूगल आपको कुछ भी सर्च करना होता है आप किस पर जाते हैं गूगल या फिर कोई भी कहता है कि आप गूगल करके देख लो उसको तो इस समय आपका जो सबसे पॉपुलर सर्च इंजन है वो कौन सा है गूगल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसका आई एस पी का फुल फॉर्म है ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इट इज़ अ कंपनी विच प्रोवाइड्स अस कनेक्टिविटी टू द इंटरनेट ये कंपनी होती है आई एस पी का मीन्स होता है कि एक कंपनी होती है जो आपको इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है फॉर दिस द कंपनी चार्जेस अ फी एस पर आर यूजेज जितना भी आपका यूजेस होगा उसके अकॉर्डिंग कंपनी आपसे चार्ज करती है सम ऑफ द आई एस पीज़ आर कुछ आई एस पीज़ हैं एयरटेल वोडाफोन बी एस एन एल जियो एम टी एन एल तो ये आपके आई एस पीज़ हैं एयरटेल वोडाफोन बी एस एन एल जियो एंड एम टी एन एल आप देखते होंगे घर में जैसे आप आपके ब्रॉडबैंड लगा हुआ हो या आप सुनते होंगे कि ब्रॉडबैंड लगवाना है तो वो ब्रॉडबैंड ये आईएसपी ही सर्विस प्रोवाइड करते हैं यही कंपनीज़ आपको ब्रॉडबैंड की सर्विस देती हैं इट इज़ अ सॉफ्टवेयर नीडेड टू ओपन एंड व्यू वेब पेजेस द मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउजर्स आर गूगल क्रोम इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड मोजिला फायर फॉक्स ये सॉफ्टवेयर होता है जो आपके नीड के अकॉर्डिंग आपको वेब पेजेस को आप ओपन कर सकते हो एंड देख सकते हो मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउजर्स कौन कौन से हैं गूगल क्रोम इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड मोजिला फायरफॉक्स ये आपके पॉपुलर वेब ब्राउजर्स हैं वो आपका जो सर्च इंजन था पॉपुलर वाला वो आपका गूगल था एंड जो आपके ब्राउज़र हैं पॉपुलर वो आपके गूगल क्रोम इंटरनेट एक्सप्लोर एंड मोजिला फायरफॉक्स हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ ऑफ इंटरनेट इज़ टू सर्च इन्फॉर्मेशन ऑन अ टॉपिक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ है इंटरनेट का वो क्या है कि आप किसी भी टॉपिक पर इंफॉर्मेशन को सर्च करें लेट अस नाउ लर्न हाउ टू यूज़ इंटरनेट अब हम देखते हैं कि इंटरनेट को किस तरह से यूज़ किया जाता है सबसे पहले ओपनिंग अ ब्राउज़र आप क्या करेंगे ब्राउजर को ओपन करेंगे अभी आपने देखे कि कौन कौन सी से मोस्ट पॉपुलर ब्राउजर्स हैं आपकी गूगल क्रोम मोजिला फ़ायर एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर तो अब इनको किस तरह से ओपन किया जाता है इन्फॉर्मेशन ऑन इंटरनेट इज डिवाइडेड इनटू वेबसाइट्स एंड वेब पेजेस जो इन्फॉर्मेशन होती है आपकी इंटरनेट पर वो किस में डिवाइड होती है वेबसाइट्स में और वेब पेजेस में वी नीड अ ब्राउजर टू ओपन अ वेबसाइट हम क्या करते हैं ब्राउजर को ओपन करते हैं वेबसाइट ओपन करने के लिए लुकिंग थ्रू द कंटेंट्स ऑफ द वेबसाइट डिस्प्लेड ऑन अ ब्राउजर जो आपको कंटेंट दिखाई देता है वेबसाइट पर ब्राउजर में जो आपने ओपन किया है उसको हम क्या कहते हैं इज कॉल्ड ब्राउजिंग और सर्फिंग वो आपकी क्या कहलाती है ब्राउजिंग या सर्फिंग लेट अस लर्न हाउ टू ब्राउज इन गूगल क्रोम गूगल क्रोम में किस तरह से ब्राउज करते हैं इसके लिए आपका फर्स्ट मेथड है डबल क्लिक ऑन गूगल क्रोम शॉर्टकट आइकन ऑन द डेस्कटॉप ये आपके डेस्कटॉप पर एक शॉर्टकट आइकन भी होता है गूगल क्रोम का उस पर आप डबल क्लिक कीजिए मेथड टू क्या होता है क्लिक ऑन गूगल क्रोम क्विक लॉन्च आइकन ऑन द टास्क बार टास्क बार में आपको गूगल क्रोम का क्विक लॉन्च आइकन भी शो होता है आप उस पर भी क्लिक करके अपना गूगल क्रोम को ओपन कर सकते हैं या फिर मेथड थ्री क्या है इसको ओपन करने के थ्री मेथड्स बताए हैं इन्होंने क्लिक ऑन स्टार्ट बटन सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करो गो टू ऑल प्रोग्राम्स ऑल प्रोग्राम्स पे जाइए आफ्टर द थर्ड स्टेप क्लिक ऑन गूगल क्रोम फिर आप गूगल क्रोम पर क्लिक कर दीजिए आपका गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन हो जाएगा गूगल क्रोम स्टार्ट एंड द ब्राउजर विंडो इज डिस्प्लेड गूगल क्रोम आपका स्टार्ट हो जाएगा और आपको ब्राउजर विंडो शो होने लगेगी कॉम्पोनेंट्स ऑफ गूगल क्रोम विंडो अब आपको जो गूगल क्रोम विंडो ओपन होकर शो होगी उसके क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं देखिए आप गूगल क्रोम विंडो हैज अ फॉलोइंग कॉम्पोनेंट इसमें देखो आपको कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं रिफ्रेश न्यू टैब एड्रेस बार बैक फॉरवर्ड अब इनको हम डीपली रीड uh, करते हैं फर्स्ट आपको दे रखा है एड्रेस बार एड्रेस बार होता है द एड्रेस बार इज यूज टू टाइप द एड्रेस ऑफ ए वेबसाइट वी नीड टू विजिट एड्रेस बार क्या होता है एड्रेस बार वो होता है आपका जहाँ पर आपको कुछ भी सर्च करना है आप उसको टाइप करके उसको सर्च कर सकते हैं एंड वही आपका क्या कहलाता है एड्रेस ऑफ अ वेबसाइट दूसरा है आपका रिफ्रेश बटन दिस बटन इज़ यूज टू स्टार्ट रिलोडिंग अ वेब पेज अगेन रिफ्रेश बटन से क्या होता है आपका जो भी पेज ओपन है वेब पेज वो उसको दोबारा से रिलोड करना शुरू कर देगा थर्ड है आपका बैक बटन दिस बटन इज़ यूज टू गो बैक टू द प्रीवियस पेज बैक बटन से आप क्या करेंगे जो आपका प्रीवियस पेज ओपन था आप वापस से उस पेज पर चले जाएँगे विच वॉज़ ओपन जस्ट बिफोर द करंट पेज जो आपके करंट वेब पेज से पहले ओपन किया होगा आप उस पेज पर चले जाएँगे बैक बटन से फॉर्वर्ड बटन दिस बटन इज़ यूज टू गो फॉरवर्ड वन वैब पेज इस बटन के थ्रू आप वन वैब पेज आगे चले जाएंगे इट कैन बी यूज़ ओनली इफ़ यू हैव यूज़ द बैक बटन एट लीस्ट वन ये आपका कब यूज़ होगा फॉरवर्ड बटन जब आपने बैक बटन को यूज़ किया होगा आपका फॉरवर्ड बटन जब भी यूज़ हो सकता है अदरवाइज आपका फॉरवर्ड बटन यूज़ नहीं होगा टैप्स क्या होती हैं गूगल क्रोम लेट यू ओपन डिफरेंट वेब पेजेस इन द सेम ब्राउज़र गूगल क्रोम आपको ये भी ऑप्शन देता है कि आप डिफरेंट वेब पेजस ओपन कर सकें उसी सेम ब्राउज़र में ईच वेब पेज ओपन इन अ सेपरेट टैब हर एक वेब पेज अलग अलग सेपरेट टैब में ओपन होता है द टैब्स फॉर डिफरेंट वेब पेजेस आर प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द ब्राउज़र विंडो जो आपकी टैब होती है वो प्रेजेंट होती है सबसे ऊपर ब्राउजर पर नीचे देखो आपको शो हो रहा है जहाँ लिखा है न्यू टैब प्लस का साइन बना हुआ है वो आपका टैब के लिए आइकन है Each tab हैज़ क्लोज टैब बटन at द राइट right edge टू क्लोज द टैब हर एक टैब में क्लोज टैब का भी बटन होता है जो कि आपको राइट right edge पे बटन शो हो जाएगा दिख जहाँ पर क्रॉस का साइन बना हुआ है आप उसकी हेल्प से अपनी टैब को बंद कर सकते हैं न्यू टैब बटन क्या होता है दिस बटन इज़ used टू ओपन अ न्यू टैब टू व्यू a न्यू वेब पेज ये बटन आपका किसने यूज होता है न्यू टैब ओपन करने के लिए जिसमें कि आप न्यू वेब पेज को देख सकते हैं ओपनिंग वेबसाइट ओपनिंग वेबसाइट क्या होती है टाइप द एड्रेस ऑफ द वेबसाइट आप टाइप कीजिए अपना एड्रेस जो भी आपको मतलब आ, सर्च करना है उससे रिलेटेड आप टाइप कीजिए वहाँ पर इन द एड्रेस बार ऑफ द ब्राउज़र एंड प्रेस द एंटर की जो भी सर्च करना है उसको टाइप कीजिए एंड आप क्या कर दीजिए एंटर की को प्रेस कर दीजिए तो आप ने जो भी सर्च किया है उससे रिलेटेड आपको ओपन होकर आपके सामने आ जाएंगे देखिए इस तरह से आपके सामने ओपन आ जाए हो जाएगा इन्होंने किया था जी राम बुक डॉट कॉम सर्च तो जी राम बुक का पेज आपके सामने ओपन हो गया नेक्स्ट है आपका सर्चिंग इन्फॉर्मेशन इन गूगल क्रोम अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन सर्च करनी है गूगल क्रोम में तो क्या करें द प्राइमरी यूज ऑफ इंटरनेट इज़ टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक जो प्राइमरी यूज़ है इंटरनेट का वो क्या है कि आप इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पर द एड्रेस बार इन गूगल क्रोम ब्राउजर कैन बी यूज़ एज अ सर्च बॉक्स आल्सो जो आपका एड्रेस बार होता है गूगल क्रोम ब्राउज़र में वो आपका सर्च बॉक्स की तरह भी यूज़ होता है कि आल्सो सर्च अबाउट एनी टॉपिक कि आप उसमें कोई भी अपना टॉपिक जो भी है वो आप उसको टाइप करके अपना सर्च कर सकते हैं क्लिक इन द एड्रेस बार एड्रेस बार में आप क्लिक कीजिए टाइप द टर्म यू वॉन्ट टू सर्च फॉर उस टर्म को टाइप कीजिए जो भी आपको सर्च करनी है एंड प्रेस द एंटर की और क्या कीजिए एंटर की को प्रेस कर दीजिए द ब्राउज़र डिस्प्लेज द इंफॉर्मेशन ऑन द स्पेसिफाइड टॉपिक जो भी आपने टॉपिक डाला है उससे रिलेटेड ब्राउज़र आपको सारी इन्फॉर्मेशन शो कर देगा नीचे आप पेज पर देखिए जैसे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर डाला था तो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड आपके सामने सारी चीजें ओपन हो गई आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द कम्प्लीट चैप्टर इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन द चैप्टर सो यू कैन वॉच द वीडियो टू थ्री टाइम्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द चैप्टर कंप्लीटली थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके